मेरा नाम कमल जैन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। मुझे आजकल गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो आप इसके बारे में कोई सुझाव दीजिए। आपको गुस्सा आता है, ओके, लेट अस सी द सम बेसिक फैक्ट्स। आपको गुस्सा किन मनोवैज्ञानिक कारणों से आता है, शारीरिक कारणों से आता है, या उसका संबंध कहीं आपकी वास्तु के साथ है? गुस्सा आता है, इसका एक सबसे पहला जो क्लू हमें मिलता है वो आपके मेन डोर के ऊपर मिलता है कि आपका मेन डोर ऑफ योर हाउस एंड मेन डोर ऑफ योर बेडरूम, क्या ये किसी ऑफेंडेड स्ट्रक्चर से या पॉइजन एरो से अफ्लिक्टेड तो नहीं है? दूसरी बात, आपकी जो सोने की डायरेक्शन है कहीं वो बहुत ज़्यादा साउथ से रिलेट तो नहीं कर रही है? अगर आपका सक्सेस या आपका क्वा नंबर किसी भी तरह से साउथ डिनोट करता है तो भी आप साउथ में हेडिंग नहीं करें। थर्डली, ये ज़रूर चेक करें कि आपकी रसोई के अंदर जहां आपके लिए भोजन बनता है वहां पर यिन और यांग बैलेंसेस हैं या नहीं है, यानी फायर और वाटर बैलेंस है या नहीं है। एक और आखिरी बात आप देख लीजिएगा कि आपके सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्मस्थान है जिसको वास्तु में कहा जाता है, यहाँ पर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एनर्जीज है या नहीं है। अगर किसी भी प्रीमाइसिस में कॉस्मोटॉलरिक बैलेंस गड़बड़ाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग भावनाओं से, इमोशन से ग्रसित रहते हैं और गुस्सा, भय, फोबिया या इस तरह की चीज़ें वहाँ पर एक आम बात बन जाती है। तो आप इन चीज़ों को अपने प्रीमाइसिस में जाँच करें और सुधार करें। मेरा नाम कुसुम अंबरदार है। हम प्लान कर रहे हैं कि घर खरीदें जो टी पॉइंट पे है, तो टी पॉइंट पे घर खरीदना वास्तु के हिसाब से और सुरक्षा के हिसाब से ठीक रहेगा कि नहीं, ये आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, यदि आप जनरल टी पॉइंट्स की बात कर रही हैं तो टी पॉइंट्स एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस टी पॉइंट से आपका मेन डोर किस प्रकार से इफ्लिक्ट हो रहा है, नंबर वन, आपकी फ्रंट की एलिवेशन किस प्रकार से इफ्लिक्ट हो रही है, नंबर टू, टी पॉइंट की अर्थ एनर्जी लाइन आपके प्रीमाइसिस में किस तरह से एंटर हो रही है, नंबर थ्री, यदि ये तीनों चीज़ों की बारीकी से जांच की जाए तो ही हम कह सकते हैं कि किसी टी पॉइंट का आपके ऊपर इल इफेक्ट है। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप टी पॉइंट के घरों को बिल्कुल सिरे से नकारने के बजाय ये देखें कि इन तीनों पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स आपकी साइट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि इनमें आपको प्रॉब्लम मिलती है तो इसके समुचित वास्तु उपाय आज के समय में मौजूद हैं। आज विज्ञान यहाँ तक तरक्की कर चुका है कि हम टी पॉइंट्स की एंटर करने वाली एनर्जी को सर्कमवेंट करके डाउन टू अर्थ पहुँचा सकते हैं। तो आप इसकी पहले समुचित जांच करें या करवाएं और फिर इन उपायों का पालन करें, तभी आप किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।